Hello and good morning, students. As you all know, I am going on with class 12 with SPCC. We have finished part 1, part 2, and now we'll go to part 3. In part 2, as we did requesting letters, in the same way, in part 3 also, we'll be doing complaint letters, which will be written to the bank if you have any queries or if you want to know what has gone wrong. So, I'll start with the letter. Now here, there is a complaint letter to the bank for the wrongful dishonor of a check. Means a check jo diya hai, it's bounced because of a wrongful dishonor. Kuch galat hone ke wajah se, dishonor means a respect jo hota hai, it is gone wrong because of that. So we'll just see first jo business hai yahan pe, jaise yahan pe likha hai, jo account current account hai under the name of Samras Novelty, to unke लिए ये जो बैंक है एक चेक जो उन्होंने पास ऑन किया था इट वेंट अवे रॉन्ग. तो वो हम देखेंगे कि एक्चुअली व्हाट वेंट रॉन्ग विद द चेक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सामरस नोवेल्टी. फिर यहाँ पे जैसे मैंने आपको पार्ट टू में बताया था, लेफ्ट हैंड साइड यू हैव योर नंबर, एट द राइट हैंड साइड यू हैव योर एड्रेस. सो योर फर्स्ट फ्लोर चार्मी टावर डिप क्रॉस रोड सोमनाथ 23rd July 2017. फिर आएगा आप जिसे लेटर लिख रहे हो, दैट्स अ बैंक, द मैनेजर फॉर्मर आंध्रा बैंक फॉर्मर देव क्रॉस रोड फॉर्मर सोमनाथ 36 27 20. और आपका सब्जेक्ट क्या था ऊपर, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा था योर सब्जेक्ट कंप्लेन लेटर वॉज अ रॉन्गफुल डिसऑनर. तो सब्जेक्ट क्या आएगा आपका, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक. अब वो लिखते हैं, सर we have held a current account under the name Samras Novelty, that is account number 001332827290 with your bank for the last 9 years. So पूरे के 9 साल से ये bank account जो है हमारा आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो है current account. All the financial transactions of our business are operated through this account. और जितने भी उनके business transactions है, in and out अगर पैसा आता है to डिपॉजिट या टू विड्रॉ, ये सब ट्रांजैक्शंस उनके बिजनेस के जितने भी होते हैं वो आपके बैंक के थ्रू ऑपरेट होते हैं इस अकाउंट से. द चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रतिभा स्टोर्स सोमनाथ फॉर 12,000 रुपीज बेरिंग द चेक नंबर EY004567 डेटेड 15 जुलाई 2017 वॉज प्रेजेंटेड बाई द ट्रेडर टू द बैंक. But the amount of the said check was not credited in his account and the check was returned with the remark insufficient balance. अब ये check was drawn in the favour of Pratibha Stores, वहाँ पे सोमनाथ, जहाँ पे उनको 12,000 का check देना था, that was dated 15 July 2017 and was presented by the trader to the bank. इस trader ने bank को दिया था, but the amount of the said check, जो amount said check को लिखा था, was not credited, means credit नहीं हुआ था उनके account में, because the check was returned with the remark, वो check को return किया गया और remark लिखा था insufficient balance, means जहाँ से उनको पैसे निकालना पड़ा था उस check को देखे वहाँ पे उनको ये बता रहे कि इसमें insufficient amount balance है, means इतना amount bank में नहीं है, इतना पैसा उसमें उनके account में नहीं है. We drew the check considering the last entry in the passbook. और आपको एक पता है पासबुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप जब विड्रॉ करते हो बैंक से पैसे या तो जब आप बैंक में पैसे डालने जाते हो तो आपको एक पूरा उसका एक पूरा फॉर्मेट आपके सामने एक पासबुक के तौर पे पता चल जाता है, हाउ मच यू हैव पुट इन, हाउ मच यू हैव टेकन आउट, आप कितना डालते हो कितना निकालते हो, सब आपको पासबुक में इंफॉर्मेशन मिल जाता है. द पासबुक शोज, वो ये बोल रहे हैं कि द पासबुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹50,000 both on the day the check was drawn and today, means दोनों टाइम पे पासबुक हमें ये इंक्वायरी दे रहा है कि 50,000 का जो अमाउंट है ऑलरेडी मेरे पासबुक में वो बता रहा है कि उतना अमाउंट मेरे पास मेरे अकाउंट में है. येट माई चेक, तो भी मेरा चेक जो है 12,000 was dishonored, means it was not, the bank was not given the amount that's 12,000, it was dishonored. इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, वो बोले ये बहुत ही सीरियस मैटर है क्योंकि ऑलरेडी पैसा होने के बावजूद भी वो 12,000 नहीं, चेक का 12,000 नहीं दे रहे थे. काइंडली लुक इन टू द मैटर एंड लेट अस नो, वो बोले काइंडली लुक इन टू द मैटर मीन्स क्या हुआ है एंड हमें ये जानकारियाँ दे रहे. बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस, आपके केयरलेसनेस की वजह से ऑफ द बैंक
द प्रेस्टीज ऑफ अ बिजनेस फर्म, प्रेस्टीज मीन्स जो उनके ये हो जाती है, उनका एक प्रेस्टीज जो रहता है फर्म में मीन्स जहाँ पे वो काम करते हैं सफर्स एंड इट प्रिवेंट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. सो उनकी जो प्रेस्टीज होती है वहाँ पे अगर बिजनेस फर्म में अगर ये हुआ तो वो सफर करता है, प्रिवेंट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो फाइनेंस जो पैसे के ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें थोड़ा रुकावट आ जाता है. वी रिक्वेस्ट यू टू बी मोर केयरफुल, वी वॉन्ट यू टू बी मोर केयरफुल एंड सी दैट सच इंसिडेंट्स डू नॉट ऑकर इन फ्यूचर. आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी ऐसे कुछ हो तो आप ज़्यादा सहमत रहे और ऐसे कोई भी इंसिडेंट्स फ्यूचर में वापस ना आए. थैंक्स योर्स फेथफुली मनु भाई चोटालिया हुज़ द ओनर ऑफ द ओनर ऑफ सामरस नोवेल्टी. तो वो यही बोल रहे कि ये चेक जो वापस दिया गया है इसके वजह से जो प्रॉब्लम्स आई है वो बैंक को ये लेटर लिख रहे कि आप उसे वापस एक बार देख लो, नहीं तो ये फ्यूचर में भी ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं. इसके अलावा देयर इज वन मोर लेटर, कंप्लेन लेटर, दैट इज अ लेटर ऑफ कंप्लेंट रिगार्डिंग रूड बिहेवियर ऑफ द बैंक एम्प्लॉय. अभी बैंक एम्प्लॉय कौन होता है? ओके, बैंक एम्प्लॉय इज अ पीपल हु आर वर्किंग इन द बैंक, द स्टाफ ऑफ द बैंक जो काम करे वेरियस जो उनको काम अलॉट किया है तो अलग अलग सेक्शंस में जो काम करे उनको हम एम्प्लॉय बोलते हैं. अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम ऑब्वियसली कहाँ पे जाएंगे? एक बैंक एम्प्लॉय के पास जाएंगे कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए. तो यहाँ पे कौन सी लेटर है? राइट अ कंप्लेंट, लेटर ऑफ कंप्लेंट रिगार्डिंग रूड बिहेवियर. बिहेवियर जो है बात करने का तरीका है वो बहुत ही रूड है ऑफ द बैंक एम्प्लॉय. सो नाउ वी सी दिस लेटर ऑल्सो. एज आई टोल्ड यू नो अबाउट द एड्रेस और टेलीफोन नंबर, द एड्रेस ऑफ द बैंक, द सब्जेक्ट इज द मेन थिंग एंड बिलो दैट द व्हाट आर यू राइट टू हूम यू आर राइटिंग दिस सर एंड देन स्टार्ट्स योर लेटर राइटिंग. The same way, your telephone number here. Now this is written by Disha Prajapati ने लिखा है, तो उसका नाम और एड्रेस है Disha Prajapati, 101 Sukh Residence, Modhera Road, Hisana, 384-00001 and 16th November 2007. Now she is writing to the manager of Punjab National Bank and the same because she is staying over here at Modhera Road, Hisana, तो वो ही same यहाँ पे जो है एड्रेस आएगा लेकिन बैंक का नाम लिखना बहुत ही जरूरी है. सो वी स्टार्ट विद दिस लेटर, दैट इज अ कंप्लेंट रिगार्डिंग रूड बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक. सर आई होल्ड सेविंग्स अकाउंट नंबर 10465678900 फॉर द लास्ट 5 years. आई अप्रिशिएट द सर्विसेज द बैंक हैज रेंडर्ड टू मी ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो दिशा इज सेइंग दैट आई होल्ड सेविंग्स अकाउंट नंबर्स की अकाउंट नंबर दे रही है फॉर द लास्ट 5 years. बात साथ से आई अप्रिशिएट, अप्रिशिएट करती है कि जो भी सर्विसेज को बैंक के थ्रू मिला है इट इज रेंडर्ड टू मी दैट पीरियड. जो भी उस वक्त में जो भी सर्विस मिला है शी इज अप्रिशिएटिंग दैट टू द कंसर्न बैंक. फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई फाइंड अ डेटोरिएशन इन द सर्विसेज ऑफ द बैंक. Even the behavior of some of the employees has become a cause of dissatisfaction among customers. तो हम customers में तो के तौर पर जाते हैं और जो हमारे हर एक चीज़ में बैंक को लेकर मदद करते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं वो employees होते हैं. तो वो ये बोले इस letter में कि for the last few days में उसे ये पता चल गया. I find a deterioration means worst. अभी जो situation है worst होते जा रहे हैं बैंक में, services में of the bank, जो service है बैंक की वो worst होते जा रही है. इवन द बिहेवियर, उनकी जो बिहेवियर है बात करने के तौर तरीके और सम ऑफ द एम्प्लॉयज, थोड़े से बहुत एम्प्लॉयज हैज बिकम अ कॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन. वो सेटिस्फाइड नहीं है हम कि उनके बात करने के जो तौर तरीके वो अच्छे नहीं. सो ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग कस्टमर्स, हम जो कस्टमर्स जाते हैं तो हम सेटिस्फाइड नहीं कि उनकी बात करने की जो बिहेवियर है वो काफ़ी रूड है. द इंसिडेंट हैपेंड 2 days ago. ये इंसिडेंट कब हुआ? 2 दिन पहले. एंड इट्स शेमफुल फॉर द बैंक, और ये बैंक के लिए काफ़ी शेमफुल है. एंड अ मैटर ऑफ सीरियस टेंशन फॉर अकाउंट होल्डर्स, एंड इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस टेंशन किसके लिए? अकाउंट होल्डर्स के लिए. द स्टेट गवर्नमेंट हैज सैंक्शन अ स्कॉलरशिप टू मी फॉर हायर स्टडीज. वो ये बोल रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने सैंक्शन किया है स्कॉलरशिप उसे फॉर हायर स्टडीज के लिए, विच वॉज टू बी क्रेडिटेड इन माई सेविंग अकाउंट्स नंबर ऑफ योर बैंक. तो वो बोल रही है कि मेरे सेविंग अकाउंट नंबर में वो क्रेडिट करना था, लेकिन क्या हुआ? कंसिडरेबल टाइम हैज पास्ड सिंस द ऑर्डर
from the state government was issued, but the amount of scholarship is still not deposited in my account. वो बोले कि काफी time बीत चुका है, तो अभी जो amount मुझे state के through से मिला है, state government के through से मुझे जो मिला है amount, वो scholarship की amount अभी भी deposited bank में नहीं हुई है. So I approached the concerned employee who has been dealing with this affair. तो जो भी ये concerned employee वहाँ पे इस काम को लेके डील कर रहा है विद दिस अफेयर, सो शी हैज अप्रोच टू दिस पर्सन. द सेड एम्प्लॉय, जो वो एम्प्लॉय के पास हो गई है, मिसबिहेव विद मी एंड पुट एन अनरीजनेबल डिमांड. उन्होंने मिसबिहेव किया और कोई डिमांड उन पे डाली है, मेकिंग मी फील इंसल्टेड. और उसे इंसल्टेड लगा बिकॉज उससे ऐसा लग रहा था उसके बिहेवियर काफी रूड था एम्प्लॉय का. एंड ऑल्सो सफर अ मेंटल ट्रॉमा. शी सेइंग मैं इंसल्टेड फील किया, मुझे एक मेंटल ट्रॉमा जैसा लगा, बिकॉज दैट इज नॉट द वे टू टॉक विद एनी एम्प्लॉय. तो अगर आप कहाँ पे भी जाते हैं, अगर एक शॉपकीपर है, अगर हम कस्टमर है, तो अगर जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो द आंसर हैज टू बी वेरी पोलाइट. तो इन द सेम वे उसे भी ये लगा कि जो उससे बात कर रहा है बैंक के एम्प्लॉय को काफ़ी मिसबिहेवियर कर रहा है, एंड ही इज नॉट क्वाइट सॉफ्ट इन टॉकिंग एंड शी फेल्ट इंसल्टेड. अभी वो ये लेटर जो है लास्ट में लिखे, आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द मैटर. आप प्लीज ये मैटर में देखो एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न एम्प्लॉय. जो भी कंसर्न एम्प्लॉय से उससे बात हुई है, वो बोले कि इसको इस मैटर में आप स्ट्रिक्टली देखो और जांच पड़ताल जो भी उसे करो. फिर लिखते योर फेथफुल दिशा प्रजापति. सो विद दीज टू थिंग्स आई फिनिश टू लेटर्स ऑफ कंप्लेंट लेटर्स. प्रीवियस पार्ट टू में वर रिक्वेस्टिंग लेटर्स. इन द फर्स्ट पार्ट वॉज इंट्रोडक्शन. So these are three parts of your first chapter in CC, that's commercial correspondence, and the first chapter is bank correspondence. So please go through these chapters. I don't think the letters are quite hard. If you practice them, definitely it's very easy, and you can write in your own words too. आप अपने words में भी उसे लिख सकते हो. मुझे नहीं लगता ये letters काफी hard है. अगर आप इसको एक बार, especially अगर आपको मैं बता दूँ, अगर आप इस चीज को बराबर से लिख सकते हो, that's your number, your address, obviously the person who you're sending it to, the bank address, your subject, your first two paragraphs, you definitely get marks. So you have to keep practicing how to write letter writing. So these are the three parts. After each part you're going to be getting a PDF. Please complete that into your notebook. Anyways, stay safe, stay home. Thank you.